Hello student, how are you? Today we will start our fifth chapter, natural vegetation. Natural vegetation is our fifth chapter. Previous lectures में हमने अपना third chapter complete कर लिया था, drainage system. आज हम start करेंगे natural vegetation. सबसे पहले तो बात यह है, नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है? व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? ए प्लांट विच ग्रो विदाउट ह्यूमन इंटरफेस. कोई पौधा बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप ग्रो करेगा, वह वेजिटेशन कहलाएगा. इसके ऊपर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये कई प्रकार की प्रजातियों में, स्पाइसेस में ये अपने आप ग्रो करेगा. और इंडिया में कई प्रकार की डाइवर्सिटी है, इसके कारण अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन है. जैसे कि माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन में माउंटेन प्रकार की वेजिटेशन होती है. डेजर्ट में कैक्टस प्रकार की होती है. लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्रकार की वेजिटेशन होती है. जो कई एरिए रह गए वहां पे मानसूनी क्लाइमेट होता है, वहां पे मानसूनी वेजिटेशन होती है. इस प्रकार से अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन होती है. इनको एक प्रकार के क्लाइमेट और सोयल के अकॉर्डिंग कई प्रकार की वेजिटेशन में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, फर्स्ट है हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसमें दोनों ही प्रकार के आ जाते हैं. सेकंड है हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. थर्ड है हमारा ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट, थोर्न फॉरेस्ट. ये हमारा आ गया थर्ड टाइप का. फोर्थ में आता है माउंटेन फॉरेस्ट, जो माउंटेन में होती है वो वेजिटेशन. और फिफ्थ में आता है हमारा लिटोरल एंड स्वार फॉरेस्ट. ये हमारी अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन है. इनका बारी बारी से हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे हमें, सबसे पहले तो उसी के बारे में लिखना है. इनके बारे में हमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट लिखने होते हैं. ये कहां पे तो हमें मिलती है, इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी सोयल चाहिए और कौन कौन से इनके वृक्षों के नाम है, जो इनकी वेजिटेशन है उनके नाम है. सबसे पहले तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है कहां पे, जो साउथ में पेनिनसुलर रीजन है यहां से वेस्टर्न घाट स्टार्ट हो जाते हैं. जो माउंटेन हिल की लंबी रेंज है इसको, ये हो गया वेस्टर्न घाट. इसकी वेस्टर्न स्लोप कौन सा है, ये इस साइड वाला, ये वेस्टर्न स्लोप है इसका.
दूसरी साइड में ईस्टर्न स्लोप है, इस साइड में वेस्टर्न स्लोप है। वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप में और सेकंड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ ईस्टर्न कहां पे होगा? नॉर्थ ईस्ट साइड, ईस्ट ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो यहां पे जो एरिया होगा वहां पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया ये हमारा। और इसके अलावा अंडमान निकोबार एंड निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार कहां पे है? अंडमान निकोबार आइसलैंड, यह है बे ऑफ बंगाल, यह है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यहां पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। यह है इनके लिए मेन प्लेस जहां जहां पे ये होते हैं, इनको आपको याद करना है। और इनके लिए क्लाइमेट की कंडीशन कौन सी होगी, कौन सी क्लाइमेट कंडीशन पे ये ग्रो करेंगे? क्लाइमेटिक कंडीशन इनके लिए एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए और यहां का टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ये इसके लिए आवश्यकता है रेनफॉल और टेम्परेचर की। यहां पे रेनफॉल भी अधिक होती है और टेम्परेचर भी अधिक है क्योंकि इक्वेटर लाइन के पास है। और रेनफॉल का कारण तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है, सबसे लास्ट में जाता है, यही कारण है यहाँ पे। और ये तो विश्व का सबसे अधिक रेनफॉल वाला एरिया है मासिनराम, और यहाँ पे होती है मेघालय में, और यहीं पे सबसे ज्यादा ही फॉरेस्ट मिलते हैं। और इसमें कौन कौन सी जो ट्री है जो मेन है, ट्री के नाम याद रखने हैं, जो मेन ट्री है इसमें, फर्स्ट तो है एनी, ए आई एन आई एनी, एबोनी, रोजवुड, एनी अबोनी रोजवुड महोगनी, महोगनी, ये इसके चार प्रकार के ट्री है। इनको याद रखना है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बुक के हिसाब से, एनी अबोनी रोजवुड महोगनी। और इन ट्रीज के बारे में ये नहीं पता होता कि कभी इनमें फ्लावर होंगे, कभी कभी इनमें फूल आएंगे, कभी इनमें फ्रूट आएंगे, मीन इनका कोई निश्चित टाइम नहीं होता था जिस समय ये अपना फ्रूट लेते हैं, फ्लावर आते हैं, ये कभी भी अपने फूल और फ्लावर गिरा देते हैं। और इनकी लेंथ कितनी होती है यहाँ के इन ट्रीज की, 60 मीटर टॉल भी हो सकती हैं। सबसे ज्यादा रेनफॉल यहीं पे होगी तो सबसे ज्यादा लंबे वृक्ष भी यहीं पे ही होगी। इनकी हाइट होती है 60 मीटर और यहीं पे ही सबसे ज्यादा जीव जंतु मिलते हैं। बस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में इतना ही पढ़ना है आपको। अब इसके बारे में हम बात करते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद में वे एरिया जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से कम होती है, सेम वही एरिया जो इनके पास होती हैं, जैसे कि ये ईस्टर्न स्लोप और ये इसके आगे वाला कुछ। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्री आते हैं? सीडार, होलैक, केल, ये इसमें मेन ट्री आती है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसके बाद में हम बात करते हैं जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था उस समय भी इन फॉरेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया।
वो उनको फॉरेस्ट के बारे में पता था कि ये इकोनॉमिक रूप से कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने कुमायूं और गढ़वाल रीजन पे जो ओक के ट्री थे, ओक के ट्री, इनको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस बाय द पाइन ट्री, क्योंकि पाइन के जो ट्री होते हैं इनका यूज रेलवे लाइन बिछाने के लिए और कई प्रकार की इमारती लकड़ी के लिए पाइन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में उन्होंने जो फॉरेस्ट थे उनको साफ करके वहां पे टी प्लांटेशन, कॉफी और रबर, इन तीन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने। माउंटेन एरिया में फॉरेस्ट को कटवाकर टी, कॉफी और रबर पे अधिक ध्यान दिया, जिससे उनको अधिक से अधिक इकोनॉमिक फायदा मिल सके। इस प्रकार उन्होंने अपने को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हमारे इन फॉरेस्ट को साफ किया। इसके बाद में बात करते हैं हम सेकेंड टाइप के फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में इतना ही पढ़ना था, और सेमी ट्रॉपिकल के बारे में। अब आता है हमारा सेकेंड ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, इसको हम मॉनसूनी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसका सेकेंड नेम क्या है? मॉनसूनी फॉरेस्ट। और ये इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं, मीन इनका एरिया सबसे ज्यादा है इंडिया में मॉनसूनी फॉरेस्ट का। और ये उस प्लेस पे ज्यादा वाइड स्प्रेड है जहां पे रेनफॉल कितना हो, 70 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर, उस प्लेस पे ये डेसिड्यूस फॉरेस्ट अधिक मिलते हैं जहां पे रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। आगे जाके इनको टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट और मोस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जिनमें रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर पर ईयर हो। और मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जहां पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर हो। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की। हमारा फर्स्ट है इसमें मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके लिए रेनफॉल की आवश्यकता होती है 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर। और ये कहाँ पे मिलते हैं? वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट कौन सा है? ये पार्ट वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट में। और जो ईस्टर्न फॉरेस्ट थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनके जो साथ में लगता एरिया है वहां पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नियर विद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहां पे हमें ये मिलते हैं। इनमें मेन मेन से वृक्ष कौन सी है? पलाश, खेर और कई प्रकार के जो मेन प्रकार के ट्रीज हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगर ज्यादा करेंगे तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक बार रिपीट करके आगे स्टार्ट करेंगे।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।